Hey guys, welcome back to the brand new video on the channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming Awesome YouTube channel. And guys, in this particular video, I am going to talk about 180 degree reflex in tier 1. जो एक अपने PEI की लॉबी है guys, wildcard चल रहे हैं PEI के qualifiers and इनमें ये reflex note होता है. And reflex देखो, सबसे पहले तो आप easily इस चीज को देखो, VV सामने जा रहा है, इस player ने fire करा and crouch करके 180 degree भाई इस बंदे ने down करा. Slow motion में दिखाऊंगा and proper use of 5 finger क्लॉ और 4 finger क्लॉ में गाइस ये चीजें रहती हैं. बट इस बंदे ने जो मतलब सबसे पहले फायर कर रहा था, इसने क्या गलती करी, सामने वाले बंदे ने क्या चीजें अच्छी करी, उस पर बात करूंगा. एंड आफ्टर दैट गाइस, जो ये प्लेयर था डबल बी, जो रिफ्लेक्स मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इस बंदे के इस पर्टिकुलर मैच में 6 kills थे एंड बाकी प्लेयर्स के पास एक एक किल था. बट इस टाइम जो मॉली करने के चक्कर में डाउन होता है प्लेयर एंड आफ्टर दैट ना गाइस ये पूरी लाइनअप खत्म होती है. बट लेट्स टॉक अबाउट दैट रिफ्लेक्स. जब भी गाइस ये प्लेयर मूव कर रहा था, इस पे शॉट्स आए एंड जो इसने यहाँ पे स्पॉट करा प्लेयर को, पीछे मुड़ा, थोड़ा सा अपनी मतलब पोजीशन को चेंज करा एंड जब तक बोल्ट उसको ट्रेस कर पाता, क्योंकि कंटिन्यूअसली ट्रेस कर रहा था आगे की तरफ, ये बंदा थोड़ा सा 1 meter पीछे आता है, क्राउच करता है, डाउन करता है. एंड ये रिफ्लेक्स ना टियर 1 में बहुत कम दिखती है, रेयर दिखती है. एंड एक और टीम की मैं प्रेज करना चाहूंगा गाइस, इसमें भी छोटी मोटी रिफ्लेक्स, इतनी अच्छी रिफ्लेक्स नहीं है बट फिर भी 180 के रिफ्लेक्सेस बहुत मुश्किल रहते हैं. बट ये देखो, इस प्लेयर ने भी यहां पे बहुत अच्छा डाउन करा था. एंड ये सेकंड लाइनअप्स है, इन लाइनअप्स को देखूंगा मैं जब ग्लोबल टीम्स के अगेंस्ट कैसा करती है, कि चाइना के रीजन के जितने भी सेकंड लाइनअप्स होते हैं कितना अच्छा खेल पाती है अपनी ग्लोबल टीम के सामने एंड उनके यहां पे मेन लाइनअप के सामने. क्योंकि गाइस इन टूर्नामेंट्स में से एक लाइनअप जाएगी आज के इस टूर्नामेंट से, जो आज मतलब होने वाले 3:30 में लाइव आऊंगा, वहां पे नोवा एंड 4M का भी जो लाइनअप रहता है वो खेलने वाला है. सो ऑब्वियसली आप मुझे ज्वाइन करना. एंड एक और चीज मैं दिखाता हूं, यहां पे टीजेबी वर्सेस एसडीवाई की फाइट चल रही थी एंड ये फाइट भी काफी अच्छी रहती है. मैं स्किल्स दिखाना चाहता हूं आपको इन प्लेयर्स के. एसटी वाले बहुत बड़े खेल रहे थे, 11 किल्स कर चुके थे एंड अभी डबल जी एंड डबल एक्स वे 9 यहां पे आगे जाएंगे. इस इन प्लेयर्स को भी ना ये प्लेयर्स डाउन करते हैं. बट क्या होता है यहां पे, एक प्लेयर ने एक प्लेयर को डाउन करा, उसके बाद गाइस ये प्लेयर ना अभी 1v2 करने वाला है एंड 1v2 में ना जो इसका मतलब स्पॉटिंग लेवल एंड इसकी जो रिफ्लेक्सेस थी, लाइक इसकी स्पीड थी खेलने की, वो आप यहां पे देख सकते हो कितनी जल्दी. इवन प्लेयर सामने वाले बहुत लो ऑन एचपी थे बट स्टिल गाइस इसने बहुत अच्छे तरीके से मारा. बेसिकली इस वीडियो में जस्ट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आज मुझे ज्वाइन करना, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा इन टीम्स को दिखाऊंगा, क्योंकि गाइस सेकंड लाइनअप्स हैं बट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, गलत खेल रहे हैं. एंड आज नोवा एंड साथ में अपनी जो 4M की लाइनअप रहती है वो खेलने वाली है. AGY की लास्ट लाइनअप यहां पे जो मैंने बोला था बहुत अच्छा खेल रही है, उन्होंने 65 पॉइंट लिए थे. एंड बाकी जो मैंने आपको 180 डिग्री का रिफ्लेक्स दिखाना था वो तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं गाइस. कॉम्पिटेटिव ना ये चीजें बहुत रेयर होती है कि कोई बंदा रिफ्लेक्स देख के आपको 180 डिग्री घूम के मार दे. उस प्लेयर ने जस्ट वेयरली 5-6 bullets हिट करी एंड उस प्लेयर को डाउन करा. उसने चीजें क्या करी, उसने क्या करा, सबसे पहले वो जा रहा था थोड़ा सा पीछे आया ताकि बंदा उसको ट्रेस करके आगे लेके जाए. ये चीजें आप भी कर सकते हो एंड इजीली सामने वाले बंदे का एम खराब करके आप अपने रिफ्लेक्स को नोट करवा सकते हो. ये चीजें रहती हैं एंड छोटी सी वीडियो थी आज की, क्योंकि आज मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा एंड लाइव स्ट्रीम पर मुझे आप ज्वाइन करना है एंड उसके बाद मजे करेंगे एंड इन लोगों की रिफ्लेक्सेज एंड जो भी रहता है इनके स्किल्स के बारे में बात करेंगे एंड साथ में बैठ के देखेंगे. ओके, पीस आउट, बाय, टेक केयर.